हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एरर इन एप्लीकेशन। जो आपको कोई भी एप्लीकेशन एरर दिखाती है चलने में, ये एरर ही इसका नाम ही होता है, एरर इन एप्लीकेशंस। तो बेसिकली ये आता क्यों है और इसका रीज़न क्या है। तो गाइस, जैसे कि आप कोई एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, तो यूज़ करते करते उसमें बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है अपडेट करे हुए, या फिर कुछ प्रॉब्लम हो जाती है आपके सिस्टम में, तब ये दिक्कत आती है एप्लीकेशन। अब जैसे कि कोई भी एप्लीकेशन हो गई, मान लो टेलीग्राम या फिर व्हाट्सएप वगैरह, या डायलर, कैमरा, कुछ भी हो गया, तो वहाँ पर कभी भी आपको दिखा सकती है। दिखाएगी क्यों गाइस? या तो परमिशंस में प्रॉब्लम होगी, या फिर आपका जो है अपडेट नहीं होगा। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आप सेटिंग्स में जाइएगा और चेक कीजिएगा अबाउट फोन में जाकर कि आपका सिस्टम अपडेट तो नहीं है। अगर सिस्टम अपडेट आ चुका है तो उसको अपडेट कर लीजिए। और उसके बाद जो है आप प्ले स्टोर में जाइए। प्ले स्टोर में जैसे कि यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ व्हाट्सएप वगैरह, इसको काट कर, और यहाँ पर अगर व्हाट्सएप वगैरह में, पहली बात मैंने इंस्टॉल नहीं किया हुआ है व्हाट्सएप, अगर आपको यहाँ पर अपडेट वगैरह दिखता है इंस्टॉल करने के बाद, तो व्हाट्सएप को जो है आप इसको डाउनलोड अपडेट करके तब यूज़ कर सकते हैं, तो आपको ये एरर नहीं दिखाएगा। तो दो रीज़न होते हैं मेन, आप चाहें तो एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं, जैसे कि टिकटॉक हो गया, अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल कर सकते हैं, तो एरर इन एप्लीकेशन ख़त्म हो जाएगा आपके मोबाइल में से। बस ये दो रीज़न होते हैं जिसकी वजह से ये आता है। बाकी अगर फिर भी आपका सोल्व नहीं होता है तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं, मैं उसका आंसर आपको ज़रूर दूंगा। अगर वीडियो यहाँ पर पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।